भीम उठ जा भीम, अरे उठ जा ना। लो भीम, तुम्हारा दूध और मेरी चाय। मैं उस पीतल के गिलास की बात कर रहा हूँ, उसको तुम्हारे बच्चे ने छुआ था, फेंकना पड़ेगा। जानता हूँ भीम कि कोई ना कोई पुरानी बात तुम्हें याद आ रही होगी और तुम सोचने लगे, मगर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे गिलास से दूध पी रहे हो। मगर मुझे तो पड़ता है ना, तुम्हारे बाबा यहाँ नहीं है और उनके ना होने पर तुम अपने गिलास में मुझे दूध पिलाओगे, फिर तुम यही गिलास रसोई में रखोगे, फिर तुम्हारे बाबा के साथ धोखा होगा ना। देखो, मैं अपने मित्र की मदद करने आया हूँ, ना कि उसके बाबा के साथ धोखा करने। यार मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं चाय और तुम दूध पियोगे। मैं ये दूध पीकर अपने साथ ये ग्लास ले जाऊंगा। एक दिन की बात थोड़ी ना है, कल दूध पीने नहीं आओगे? कल भी तो आना पड़ेगा ना, मुझे यहाँ अकेले में डर लगता है। और रोज ग्लास ले जाओगे तो इतने सारे ग्लास कहाँ से लाऊंगा मैं? अच्छा ठीक है, आज तुम दूध पी लो, फिर मैं इस ग्लास को संभाल के रख दूंगा, फिर जब तुम कल आओगे तो इसी में दूध पिलाऊंगा। अब ठीक है? फेल लेके गए और जो परेशान। अरे ये देखो, अब ये सेठ का बेटा इसके साथ बैठकर चाय पी रहा है। देख लिया, अब तुम लोग गांव में घर घर जाकर इस बात का प्रचार कर दो कि दोनों को साथ में देख लिया। और तुम लोगों को अगर कोई काम धंधा नहीं ना, तो गांव वालों के साथ मिलकर इस मामले को भी तूल दे दो। मतलब हद हो गई। अरे तो ये रामजी सकपाल का बेटा घर घर घूमेगा? घर घर थोड़ी ना घूम रहा हूँ, घर के दीवार के इस पार ही था। वैसे भी सोनार काका से सोना खरीदने, सोना बेचने सीढ़ियों तक तो आते ही है ना सब लोग। देखा, ये बच्चे तुम लोगों से ज्यादा समझदार हैं। कल से कुछ ज्यादा ही पक्ष नहीं ले रहा तू इन लोगों का? तुम लोगों को जरा भी अफसोस नहीं है गलत होने का? एक बार तो सही के साथ खड़े होकर देखो, आत्मा को सुख मिलेगा। पूरा गांव इस बच्चे का विरोध कर रहा है और मैंने इसके पक्ष में जरा सी कुछ बात क्या कह दी, तुम लोग बुरा मानने लगे।